कि आप कामयाब रहें, अपने सिर के ऊपर से आपको तेल खत्म नहीं होने देना। मैं सरसों के तेल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक अभिषेक की बात कर रहा हूं। आमीन। अगर आपकी लाइफ में अभिषेक की कमी है, आप मारे जाओगे आत्मिक रूप से और शारीरिक रूप से भी हो सकता है। बेंजामिन, बिन्यामिन जो गोत्र था, बाइबल कहती है वो ऐसा गोत्र था जिसका निशाना कभी नहीं चूकता था। बिन्यामिन ऐसा गोत्र था जिसका निशाना कभी नहीं चूकता था। अगर वो किसी को गोफन से मारे तो उनका निशाना कभी नहीं चूकता था। और शाऊल राजा बिन्यामिन गोत्र में से था। ध्यान से समझना है। आमीन। अपने पड़ोसी को बोल तेल, बोलो पड़ोसी को ऊंची आवाज में, फिर से बोलो ऊंची आवाज में, बोलो सिर पे तेल रख, अपने सिर पे तेल रख, फिर से ऊंची आवाज में बोलो। आप जानते हैं बिन्यामिन जो था, बिन्यामिन ऐसी गोत्र था जो स्लिंग मारते थे, जो गोफन मारते थे या भाला मारते थे, उनका निशाना कभी नहीं चूकता था। लेकिन अगर आप ध्यान से बाइबल में पढ़े, जब शाऊल राजा ने गोल उसको मारने के लिए, दाऊद को मारने के लिए अपना भाला पकड़ा और सीधा दाऊद को मारा, तो वो दाऊद को लगा नहीं। ऐसे या कि नहीं? हां लगा दाऊद को कि नहीं लगा? नहीं लगा, हां या ना? और अगर आप उसको देखें फिर से, शाऊल को, जब उसके बेटे ने उसके साथ गद्दारी की और शाऊल ने उसको मारना चाहा, तब निशाना फिर चूक गया, हाँ या ना? इसमें दो चीजें हैं, इसमें दो चीजें हैं। अपने पड़ोसी को बोलो दो चीजें हैं। अगर से तेरे सिर पे तेल है तो शैतान का हर निशाना चूकने वाला है। बोलो बोलो अपने पड़ोसी को, अगर सिर पे तेल है तो शैतान का हर निशाना चूकने, बोलो ऊंची आवाज में। मुझे आवाज नहीं है। मैंने कहा अगर तेरे सिर पे तेल है तो शैतान का हर निशाना चूकने वाला है। आमीन। अगर आपके सिर पे तेल है तो शैतान का निशाना चूकेगा। एक ही कारण है कि शाऊल दाऊद को मार नहीं पाया, दाऊद के सिर पे तेल था जो उसको शमूएल नबी ने दिया था। अपने तेल की रक्षा करो। व्यभिचार आपके तेल को खत्म करते हैं, ब्लू फिल्म आपके तेल को खत्म करती है, नशा आपके तेल को खत्म करते हैं, झगड़े आपके तेल को खत्म करते हैं। अपने तेल की रक्षा करो चर्च, शैतान का निशाना फिर चूकने वाला है। मैंने ऐसे लोग देखे हैं शैतान उन पर अटैक नहीं कर पाया, लेकिन शैतान ने पाप करवाया उनसे, गलतियां करवाई उनसे, और उस तेल से बाहर लेके गया और फिर उनको मारा उसने। अपने तेल की रक्षा करना यह आपका पहला काम है। बाइबल कहती गंधी का तेल भी सड़ने और बसाने लगता है अगर मरी मक्खियां उसमें चली जाएं। गंधी का तेल एक सुगंधित तेल होता था, महंगा तेल होता था, लेकिन उसमें भी बदबू आने लगती है अगर मरी मक्खियां, अगर पाप उसमें चला जाए तो। आज से मेरी प्रेयर यह है कि आपका तेल कभी खत्म ना होने पाए, आप कभी शर्मिंदा ना होने पाए। अगर आमीन ऊंचे चर्च। आप इमेजिन कर सकते हैं, पांच कुवारियां समझदार थी, पांच मूर्ख थी। समझदार ने और तेल लिया और वो शर्मिंदा नहीं हुई। आप उन्हीं लोगों को शर्मिंदा होते देखते अपनी लाइफ में जिनके अंदर तेल की कमी है, अभिषेक की कमी है, सामर्थ्य की कमी है। शाऊल बिन्यामिन के गोत्र का ऐसा राजा जिसका निशाना कभी नहीं चुका, दो बार उसका निशाना चुका। पहली बार उससे जिसके सिर के ऊपर तेल था, दाऊद के ऊपर, और दूसरी बार उससे जिसके सिर के ऊपर तेल था उसकी उसकी मदद करने के कारण योनातन के ऊपर भी वो निशाना नहीं लिखा। आप दो तरह से सुरक्षित रहते हैं, एक तो आपके अपने सिर के ऊपर तेल हो और दूसरा जिसके ऊपर है उसको सपोर्ट करना, आप बचते हैं। फिर पहला आपके अपने सिर के ऊपर तेल होना, दूसरा उसको सपोर्ट करना जिसके सिर के ऊपर तेल है। आपका निशाना शैतान का निशाना आप पर चूकने वाला है। आप बचने वाले ये प्रोफेसी, आप बचने वाले ये प्रोफेसी। आमीन। ऊंचा चाहिए ब्लेसिंग ऊंची चर्च।
मैंने कहा शैतान का निशाना चूकने वाला अगर हम मीनू चाशी सबकी, आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं कि नहीं? पहला, आपके अपने सिर के ऊपर तेल हो, दूसरा उसको सपोर्ट करना जिसके सिर के ऊपर तेल। बिन्यामीन जिसका निशाना कभी नहीं चूकता, दाऊद के ऊपर से चूका, योनातन के ऊपर से चूका। उस शैतान ने जिसने आपके मोहल्ले में 10 मारे आपको नहीं मार पाएगा, 10 बर्बाद किए आपको बर्बाद नहीं कर पाएगा अगर आमीन ऊंचा। मुझे कोई केयर नहीं, लोग क्या कहते, डॉक्टर क्या कहते, कोई केयर नहीं। आप वो नहीं है जो यीशु मसीह के नाम में दूसरे हैं। डॉक्टर क्या कहते हैं आपके लोगों के पड़ोसियों को, तेरे निकट 1,000 तेरी दाहिनी और 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास ना आएगा, वह तेरे पास ना आएगा अगर आमीन ऊंचा है चर्च। मैंने कहा वो तेरे पास ना आएगा, तेरे निकट 1,000 तेरी दाहिनी और 10,000 गिरेंगे पर वह तेरे पास ना आएगा। हालेलुया। मैंने अगर अपनी लाइफ में किसी चीज को सुरक्षित रखा है वो मेरा तेल है। ये नहीं जाने दिया मैंने, ये नहीं जाने दिया, विरोध सह लिया, बातें सुन ली, सब कुछ कर लिया, पर तेल नहीं जाने दिया। आप इसलिए यहां बैठे हो आज। आज पूरी एक नई ग्राउंड, इतनी बड़ी ग्राउंड बाहर एक नई लगाई है, वहां लोग बैठे हैं पूरी ग्राउंड में, आज नई ग्राउंड 2 एकड़ से ज्यादा, 2 एकड़ की चर्च भरने में लोगों को 40 साल लग जाते हैं। आज एक संडे में 2 एकड़ की नई चर्च बनी है खामरा में पीछे। अब वो क्या लगता है, तेल। अगर सिर पे तेल है तो शैतान का निशाना चूकने वाला है। आपके बच्चे सेफ हैं, आपका बिजनेस सेफ है। मैंने कहा आपका, आपकी लाइफ सेफ है यीशु मसीह के नाम में, अगर तेल आपकी लाइफ के ऊपर है। और मैं तेल को रिलीज करता प्रभु का दास आपकी लाइफ के ऊपर। आमीन ऊंचा शिशु जी चर्च, आमीन आमीन। तेल अगर है सिर के ऊपर तो आप सेफ हैं। आता कैसे है तेल, प्रार्थना करने से, बने रहने से प्रभु में, वचन पढ़ने से, और जिनके ऊपर तेल है उनको सपोर्ट करने से। आप एक बात को याद रखना सारी उम्र, अगर आपने उस तेल की इज्जत नहीं की जो आपके मैन ऑफ गॉड में, प्रभु आपको अपना सारी उम्र नहीं देगा। जाओ 500 रोजे रख लो डे नाइट के, मुझे बता देना अगर मिल जाए तो, 500 रख लो जाओ। जिसके सिर के ऊपर तेल है अगर उसका ऑनर नहीं किया